उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी अपने बेहतरीन कामों के लिए जाने जाते हैं, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, इन्होंने एक प्लान बनाया है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से एक आइकॉनिक स्कूल बनाएंगे अपने राज्य में। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस आइकॉनिक स्कूल का क्या टारगेट है, क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं इन्होंने। तो ये जो प्रपोज स्कूल होगी, गवर्नमेंट ने बोला है कि एक रोल मॉडल क्रिएट करेगी, जो अलग अलग फील्ड है इस इनके अंदर एक बहुत ही बेस्ट और एक मॉडल स्कूल की तरह हम लोग चाहते हैं बनाना इसको, और इस स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस भी क्रैक करेंगे। उसके बाद में इन्होंने बोला कि टोटल इसकी कैपेसिटी 1000 स्टूडेंट्स की रहेगी, 511th क्लास में, 512th क्लास में, और जो मेरिटियस जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट के अलग अलग कोने से पिकअप किए जाएंगे और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको पढ़ने के लिए। और बोला है कि जो स्कूल है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ रखेगी, जैसे इस लैंग्वेज लाइब्रेटरी, स्मार्ट क्लासेज, मैथमेटिक्स एंड हाई टेक, कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर, और क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन्होंने बोला है कि माइलस्टोन की तरह हम लोग ये एजुकेशन को ड्राइव करना चाहते हैं इस स्कूल के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, हमेशा बोल्ड एक्शंस के लिए जाने जाते हैं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो।